उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन वीडियो व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर रुचि वाजपेयी इस विश्वविद्यालय की मानविकी विद्या शाखा में हिंदी विषय के आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग MA हिंदी के पहले सेमेस्टर के पाठ्यक्रम MA HI 103 यानी भाषा विज्ञान तथा BA हिंदी के छठे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम DCE HI 104 हिंदी संरचना से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण संदर्भ पर चर्चा करेंगे। अपने पिछले वीडियो व्याख्यानों में मैंने आप लोगों के समक्ष भाषा विज्ञान के सिद्धांत, हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान तथा हिंदी संरचना के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना अभी बाकी है, जिनमें से प्रमुख विवेच्य बिंदु हैं समाज भाषा विज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान और हिंदी संरचना। इनमें से हिंदी संरचना को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत ये बहुत सारे बिंदु आते हैं। इनमें से देवनागरी लिपि तथा मानकीकरण पर मैंने अपने पिछले व्याख्यान में विस्तृत चर्चा की हुई है। हिंदी संरचना के अंतर्गत इन और बाकी बिंदुओं के बारे में आगे के वीडियो व्याख्यान में अलग से बताया जाएगा। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत ये सभी प्रकरण आते हैं। इनमें से भाषा शिक्षण और भाषा तुलना की चर्चा पिछले व्याख्यानों में हो चुकी है। अनुवाद की अलग से चर्चा उससे संबंधित पाठ्यक्रम के वीडियो व्याख्यान में की जाएगी। शेष बचे हुए मनोभाषा विज्ञान, शैली विज्ञान तथा कोश विज्ञान पर भाषा विज्ञान संबंधी आगामी वीडियो व्याख्यानों में विस्तार से बात करेंगे। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम प्रमुख रूप से चर्चा करने जा रहे हैं समाज भाषा विज्ञान पर। समाज भाषा विज्ञान या भाषा का सामाजिक संदर्भ एक ऐसा विषय है जो हिंदी भाषा से संबंधित हर एक प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में विद्यमान है। इसके व्यापक महत्व के कारण इस पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। हिंदी विषय का, चाहे BA का पाठ्यक्रम हो या MA का, अनुवाद विषय कोई प्रश्न पत्र हो या प्रयोजन मूलक हिंदी का, भाषा और समाज की चर्चा हर जगह आती है। तो समाज भाषा विज्ञान या भाषा और समाज या हिंदी के सामाजिक संदर्भ पर आज हम लोग बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं कि इस विषय को इन अनेक भागों में बांटकर हम सरल और सहज ढंग से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समाज भाषा विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। समाज भाषा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो समाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा अथवा भाषाओं का नियमित रूप से अध्ययन और विश्लेषण करता है। भाषा और समाज का गहरा संबंध है। भाषा से इतर समाज और समाज से इतर भाषा के अस्तित्व की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज भाषा विज्ञान भाषा को व्यापक पटल में उसकी समस्त बोलियों और शैलियों के समग्र रूप में देखने का प्रयास करता है। सर्वप्रथम JR Firth नामक भाषा वैज्ञानिक ने 1957 ईस्वी में पहली बार समाज भाषा विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं कि भाषा वैविध्य से क्या तात्पर्य है। एक कहावत है, 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बानी, अर्थात भौतिक दूरी के कारण भाषा के रूप में परिवर्तन आता है। भाषा वैविध्य का अध्ययन समाज विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। हर व्यक्ति की भाषा उसकी क्षेत्रीयता, लिंग, आयु, पेशा आदि कारकों के प्रभाव के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। समाज भाषा विज्ञान में इन व्यक्ति बोलियों का समग्र ही भाषा कहलाता है। हम सभी व्यक्ति बोलियों का अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन क्षेत्र तथा व्यक्तिगत कारकों का आधार लेकर कुछ प्रमुख भाषा रूपों का अध्ययन किया जा सकता है। अगला बिंदु है भाषा और बोली। भाषा को सम्मानजनक और बोली को निम्न मानने की प्रथा चिरकाल से चली आ रही है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सब भाषाएं समान हैं, क्योंकि सभी में सामाजिक संप्रेषणीयता का गुण पाया जाता है। जैसे खड़ी बोली भाषा है, वैसे ही उसकी सारी उपभाषाएं और बोलियां भी भाषाएं ही हैं। अंतर केवल इतना है कि भाषा का क्षेत्रीय आधार अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र उसकी तुलना में संकुचित होता है। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि सभी बोलियां वास्तव में अपनी अपनी भाषा का शैली रूप हैं। समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत बोली विज्ञान या डायलेक्टोलॉजी नामक विषय क्षेत्र में इन बोलियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। भाषा कोई स्थिर और बेजान वस्तु नहीं है, उसकी विविधता ही उसे संप्रेषण का माध्यम बनाती है और यह विविधता अनेक आयामों में देखी जा सकती है। अब आते हैं भाषा के सामाजिक स्तर भेद पर। सामाजिक स्तर भेद के कारण भाषा में भिन्नता आ जाती है। सामाजिक स्तर भेद को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं, स्त्री पुरुष, उम्र, शिक्षा, जाति भेद, वर्ग भेद आदि। स्त्रियों और पुरुषों की भाषा में इसलिए अंतर होता है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा विशेषणों और मुहावरों का ज्यादा प्रयोग करती हैं। विभिन्न रंगों के नामों की जानकारी भी उन्हें पुरुषों से अधिक होती है।
उम्र के अंतर के कारण भी भाषा भेद उत्पन्न होता है। हमारे समाज में बच्चे बड़ों को आप और बड़े बच्चों को तुम कहकर संबोधित करते हैं। यही नहीं, समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना, जैसे वाक्य केवल उम्र में बड़े लोग छोटों से बात करते समय प्रयोग करते हैं। उम्र में छोटे यदि यही वाक्य बड़ों से कहने लगे तो अशिष्टता मानी जाएगी। शिक्षित अशिक्षित की भाषा में अंतर होता है। आधुनिक हिंदी में संस्कृत की बहुलता और बातचीत में अंग्रेजी शब्दों की बहुलता दोनों ही शिक्षित वर्ग की पहचान है। बात करते करते हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में कोड परिवर्तन प्रायः शिक्षा का द्योतक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षित वर्ग प्रायः मानक भाषा का प्रयोग करता है, जबकि अर्धशिक्षित या अशिक्षितों की भाषा में क्षेत्रीय शब्दों की बहुलता मिलती है। जाति भेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे समाज में उच्च और निम्न जातियों की उपस्थिति उनकी प्रयुक्त भाषाओं में परिलक्षित होती है। वर्ग भाषा में भी भाषा भेद का महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक रूप से संपन्न लोग और गरीब लोग प्रायः दो भिन्न भिन्न बोलियां बोलते हुए नजर आते हैं। कभी कभी यह भिन्नता इतनी अधिक होती है कि परस्पर बोधगम्यता भी नहीं रह पाती। इस तरह से हम देखते हैं कि जितना ही व्यक्ति शिक्षित और उच्च वर्ग का होता है उसकी द्विभाषिता की क्षमता उतनी ही कम होती है। दूसरी ओर शहर में रहने वाले मजदूरों या गाँव में रहने वाले गरीब लोगों की द्विभाषिता की क्षमता अधिक है। अब हम लोग देखेंगे बहुभाषिकता और द्विभाषिकता के विभिन्न रूप। भारत चिरकाल से बहुभाषी देश रहा है। हर प्रांत की अपनी भाषा होते हुए भी पहले संस्कृत देश को जोड़ने वाली भाषा थी, अब हिंदी देश की संपर्क भाषा के रूप में उभरी है। इस कारण देश का शिक्षित वर्ग हमेशा द्विभाषी रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, महानगरों का उदय और दूरसंचार तथा जनसंचार माध्यमों के विकास के कारण लगभग हर शिक्षित व्यक्ति द्विभाषी है और एक ही समय में एक से अधिक भाषाओं का भिन्न स्तरों पर प्रयोग करता है। बहुभाषिकता की स्थिति में व्यक्ति की द्विभाषिता के ये कई स्तर हो सकते हैं, जैसे भाषा एक धन भाषा दो, अर्थात जब वक्ता एक ही भाषा परिवार की दो भाषाओं में दक्षता रखता है, यथा हिंदी और बंगाली या मराठी और गुजराती। भाषा एक धन भाषा तीन, जब वक्ता दो भिन्न भिन्न भाषा परिवारों की भाषाओं में दक्षता रखता हो, जैसे हिंदी और तमिल, हिंदी और मणिपुरी। भाषा एक धन भाषा चार, यानी जब वक्ता मातृभाषा के अलावा कोई एक विदेशी भाषा का प्रयोग करना भी जानता हो, जैसे हिंदी और फ्रेंच, हिंदी और जर्मन आदि। अब तक यहाँ ये जो द्विभाषिकता की स्थितियाँ बताई गई हैं ये बाह्य हैं, अर्थात दो भाषाओं के बीच में हैं, लेकिन एक भाषिक स्थिति में भी द्विभाषिता की बात देखी जा सकती है। जब व्यक्ति एक ही भाषा की दो बोलियाँ जैसे अवधी और ब्रज, या एक ही भाषा की दो विशिष्ट शैलियों का प्रयोग करे जैसे मानक हिंदी और हिंदुस्तानी, तो यह दूसरे प्रकार का यानी कि आंतरिक प्रकार की द्विभाषिता होती है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि बहुभाषिकता से किस प्रकार पिजिन, क्रियोल आदि मिश्रित भाषाओं का जन्म होता है। किसी भी बहुभाषा भाषी समाज या देश में कोई एक भाषा ऐसी होती है जो संप्रेषण के धरातल पर संपर्क भाषा का काम करती है। इसे लिंगुआ फ्रैंका के नाम से जाना जाता है। प्रायः यह संपर्क भाषा मानक रूप में प्रयोग नहीं होती और उसमें प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का प्रभाव होता है। जैसे संपर्क भाषा हिंदी हर प्रांत में उसकी मुख्य भाषा के अनुरूप ढल जाती है और कुछ नई छटा लिए हुए होती है। यह किसी भाषा के लचीलेपन की विशेषता के कारण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो संपर्क भाषा होती है यह जरूरी नहीं कि वह मातृभाषा ही हो। व्यापारिक संदर्भों में हम देखते हैं कि जब व्यापार करने वाले कई भाषा समुदाय एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं तो एक नई भाषा का जन्म हो जाता है, जिसमें शब्द व्यवस्था किसी एक भाषा की और ध्वनि व्यवस्था तथा वाक्य व्यवस्था किसी दूसरी भाषा की हो सकती है। ऐसी भाषा जिसका जन्म इस प्रकार के व्यापारिक या राजनीतिक कारणों से होता है उस भाषा को पिजिन कहते हैं। वह किसी की मातृभाषा नहीं होती, उसका व्याकरण और शब्द भंडार सीमित होता है और उसमें भाषा वैविध्य ना के बराबर होता है। विश्व में अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, अरबी आदि पर आधारित पिजिन भाषाएं हैं। ध्यान दीजिए कि पिजिन भाषा में हिंदी की भांति क्रिया वाक्य के अंत में आती है। जैसे एक हवाई पिजिन अंग्रेजी का उदाहरण देखिए, द पुअर पीपल ऑल पोटैटो ईट। ये पिजिन रूप है। इसका अगर अंग्रेजी में शाब्दिक अनुवाद करें तो द पुअर पीपल ऑल पोटैटो ईट। अंग्रेजी का अनुवाद इसका देखें, द पुअर पीपल ईट ओनली पोटैटोज, यानी कि गरीब लोग मात्र आलू खाते हैं। तो इसमें क्रिया वाक्य के अंत में आ रही है जो पिजिन रूप है, पोटैटो ईट, और हिंदी में है आलू खाते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि यह वाक्य एक जापानी द्वारा बोला गया है और जापानी में भी हिंदी की तरह क्रिया वाक्य के अंत में आती है। जब पिजिन की अवधि इतनी लंबी हो जाए कि आगे आने वाली पीढ़ी मात्र पिजिन ही बोलती हो और वह उस समुदाय का मानक भाषा रूप बन जाए तो उसे क्रियोल कहा जाता है। उसका शब्द भंडार तथा व्याकरणिक नियम भी विस्तृत होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बोली जाने वाली एक क्रियोल के उदाहरण देखें, नो गुड यानी कि बुरा,
बैड को हाँ नो गुड बोलते हैं। आई नो गुड यानी कि अंधा ब्लाइंड, इसे आई नो गुड बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि पिजिन से क्रियोल की यात्रा क्रियोल पर आकर समाप्त नहीं हो जाती, वरन क्रियोल धीरे धीरे मानक भाषा की तरफ अग्रसर होती है और अंततः किसी विशेष प्रांत अथवा समुदाय की मानक भाषा बन जाती है। रांची के बाजारों में बोली जाने वाली सदरी या सदनी भी एक प्रकार की पिजिन है, धीरे धीरे अब इसने क्रियोल का रूप ले लिया है। अब हम जानेंगे कि भाषा शरण, अनुरक्षण और संघर्ष से क्या तात्पर्य है। समाज भाषा विज्ञान में भाषाओं को जीवंत संगठन माना जाता है। भाषाएं कभी लुप्त हो जाती हैं या बहुभाषा भाषी कभी कभी अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को अपना लेते हैं, इसे भाषा शरण कहते हैं। भाषाओं के संदर्भ में बहुभाषिक समाज में अनुरक्षण के उदाहरण भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूरत से तमिलनाडु में बसे हुए गुजरातियों ने सैकड़ों सालों से अपनी भाषा को वहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, इसे वे सौराष्ट्री का नाम देते हैं। बहुभाषिता में भाषाओं के संघर्ष की भी स्थिति आती है, विशेषकर तब जबकि लोगों को अपना भाषिक हित प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ता है। यह संघर्ष मुख्यतः प्रमुख भाषा और गौण भाषा के बीच होता है। वैसे भारतीय समाज की बहुभाषिकता इतनी लचीली है तथा इसकी संस्कृति में समावेशिकता इतनी अधिक है, जिसके कारण भाषाओं में आदान प्रदान ज़्यादा रहा है, अतः अनुरक्षण की स्थिति अधिक है और संघर्ष की स्थिति बहुत कम रही है। अब हम लोग आते हैं भाषा के सामाजिक संदर्भ पर। भाषा के सामाजिक संदर्भ को हम अनेक रूपों में देख सकते हैं, जैसे भाषा और समाज का सहसंबंध, सामाजिक स्तर भेद और भाषिक विविधता, औपचारिक अनौपचारिक भाषा प्रयोग तथा शिष्टाचार एवं विनम्रता का सामाजिक संदर्भ। भाषा और समाज में अटूट संबंध होता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसी समाज की भाषा हम सीखते हैं। हर समाज बाहरी दुनिया को अपने ढंग से देखता है और उसे भाषा में संगठित करता है। समाज की संरचना के अनुरूप ही भाषा अपना आकार ग्रहण करती है। हिंदी भाषा समाज नाते रिश्ते के हर संबंध को महत्व देता है, इसीलिए हिंदी में हर नाते रिश्ते के लिए भिन्न भिन्न शब्द हैं, जैसे मौसी, बुआ, चाची, मामी आदि। जबकि अंग्रेजी भाषा समाज में हर संबंध महत्वपूर्ण नहीं है, अतः वहाँ हिंदी के इन भिन्न शब्दों के स्थान पर एक शब्द आंट का ही प्रयोग होता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाता है, जिन्हें पूरा करने के लिए वह भाषा के भी अलग अलग रूपों का प्रयोग करता है। सामाजिक संप्रेषण तभी पूरा होता है जब भाषा का प्रयोग करने वाला यह जानते हुए बोले कि वह कब, किससे, कहाँ और किस विषय पर बोल रहा है। जैसे क्रिकेट पर बातचीत करते समय हम क्रिकेट की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जैसे वह आउट हो गया, उसका विकेट उखड़ गया आदि। समाज में वक्ता श्रोता की आयु, भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक वर्ग भेद के भेदों से उनके भाषा प्रयोग में भी अंतर आता है। वक्ता श्रोता का पारस्परिक संबंध भी उनके बीच भाषा व्यवहार को निर्धारित करता है। शिष्टाचार एवं विनम्रता का सामाजिक संदर्भ भी भाषा को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जिन लोगों को हम आदर देते हैं या जो हमसे बड़े हैं उनके लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वक्ता श्रोता परिस्थिति और संदर्भ आदि के अनुसार हमारा भाषा व्यवहार बदलता है। हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है जिसका परिचय हमें उस समाज की भाषा से मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अनजान स्त्री पुरुष को हम उनकी आयु के अनुसार नाते रिश्ते के शब्दों द्वारा संबोधित करने लगते हैं। जैसे बुजुर्ग महिला के लिए माँ जी, दादी, काकी, चाची, मौसी आदि संबोधन मिलते हैं। इसी तरह बुजुर्ग पुरुषों को चाचा, काका, बाबा आदि कहा जाता है। दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा में अजनबी व्यक्तियों को रिश्तों की शब्दावली से संबोधित न करके मैडम, सर आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। भाषा व्यवहार का यह अंतर वस्तुतः दो संस्कृतियों का अंतर है। भाषा और संस्कृति में इतना गहरा संबंध है कि एक के ज्ञान के बिना हम दूसरे को जान नहीं सकते। सामाजिक स्तर भेद भी हमारे भाषा व्यवहार को प्रभावित करता है। सामाजिक स्तर भेद के प्रमुख आधार शिक्षा, वर्ग, व्यवसाय और पद होते हैं। सामान्य रूप से कहें तो यह कहा जा सकता है कि हर भाषा के दो रूप समाज में उपलब्ध रहते हैं, एक उच्च रूप और दूसरा बोलचाल का रूप। भाषा के उच्च रूप की प्राप्ति में शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। दूसरा रूप समुदाय की भाषा का निम्न रूप होता है। यह रूप केवल बोलचाल तक ही सीमित होता है। इसमें तरह तरह के मिश्रण द्वारा उस भाषा के अनेक क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं। आर्थिक रूप से सुदृढ़ या कमजोर होने के आधार पर भी समाज के चार वर्ग बनते हैं, उच्च वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। इन सब के भाषा प्रयोग में भी भिन्नता पाई जाती है। भारतीय समाज में सामाजिक स्तर भेद का तीसरा आधार व्यवसाय है। जो व्यक्ति या उपसमूह जिस व्यवसाय से जुड़ा होता है उसकी भाषा में उस व्यवसाय से संबंधित शब्द और अभिव्यक्तियां अपने आप आ जाती हैं। हम देखते हैं कि हिंदी भाषा समुदाय में डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर आदि उच्च पद माने जाते हैं।
उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का माध्यम बहुवचन का प्रयोग है, जबकि अप्रतिष्ठित पेशों से संबद्ध लोगों के लिए एक वचन ही प्रयुक्त किया जाता है। जैसे डॉक्टर साहब आज आए थे, धोबी आज नहीं आया था। सामाजिक स्तर भेद हमें हिंदी संबोधनों के प्रयोग में भी दिखाई देता है, जिनसे व्यक्ति की सामाजिक पद प्रतिष्ठा व्यंजित होती है। साहब, बाबू, महोदय, जी, श्रीमती आदि संबोधन पाने वाला व्यक्ति आदर पाता है और समाज में अप्रतिष्ठित पेशों वाले व्यक्तियों के साथ बात करते समय इन सम्मान सूचक संबोधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी में तू, तुम और आप का भेद भी समाज संदर्भित है, अर्थात इन तीनों का प्रयोग सामाजिक स्तर भेद को व्यक्त करता है। यदि हम अपने ही भाषा व्यवहार को देखें तो हम परिवार के सभी सदस्यों के साथ समान भाषा का व्यवहार नहीं करते। अपने माता पिता से, भाई बहनों से, बच्चों से हमारा भाषा व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। इसी प्रकार समाज में हमारे संबंध कुछ लोगों से औपचारिक होते हैं और कुछ से अनौपचारिक। इन दोनों संबंधों में भाषा प्रयोग का भेद अनिवार्य है। इसी प्रकार विनम्रता और शिष्टता का भी अपना सामाजिक संदर्भ है, उसी के अनुसार हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे रिश्ते नाते की शब्दावली पर। रिश्ते नाते की शब्दावली भाषा के सामाजिक संदर्भ के विभिन्न रूपों में से एक महत्वपूर्ण रूप है या किसी भाषा की संरचना का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसका अध्ययन करने के लिए परिवार और समाज की संकल्पना, मूलभूत रिश्ते नाते तथा शब्द प्रयोग, रिश्ते नाते की शब्दावली का सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ तथा रिश्ते नाते के शब्दों का संबोधन रूप में प्रयोग आदि की जानकारी आवश्यक है। प्रत्येक भाषा समाज में पारिवारिक संरचना के आधार भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए प्रत्येक भाषा समाज रिश्ते नाते के शब्दों का गठन अपनी विशिष्टता के अनुसार करता है। भारतीय समाज आज भी संयुक्त परिवार की संकल्पना से जुड़ा हुआ समाज है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई भतीजे, भतीजियां, बहनें सब एक साथ रहते हैं। दूसरी ओर पाश्चात्य समाज सीमित परिवार की संकल्पना में विश्वास करता है, जिसमें परिवार केवल पति पत्नी और उनके बच्चों तक ही सीमित होता है, उसमें माता पिता के लिए भी स्थान नहीं होता। हिंदी में बहनोई, साला, जेठ, देवर, साढ़ू भिन्न नातों के लिए अलग अलग शब्द हैं, जबकि अंग्रेजी में इन सभी नातों के लिए मात्र एक शब्द ब्रदर इन लॉ है। यह भेद दोनों भाषा समाजों की भिन्न पारिवारिक संरचना को व्यक्त करता है। मूलभूत रिश्ते और शब्द प्रयोग देखते हैं हम कि हिंदी रिश्ते नाते की मूलभूत शब्दावली को तीन धरातलों के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। मूल परिवार से संबद्ध रिश्ते नाते की शब्दावली, पिता और माता के परिवारों से संबद्ध रिश्ते नाते और वैवाहिक रिश्तों से संबद्ध रिश्ते नाते की शब्दावली। मूल परिवार से संबद्ध रिश्ते नाते की शब्दावली के अंतर्गत माता पिता, पुत्र पुत्री, दादा दादी, पोता पोती, भाई बहन आदि आते हैं। पिता और माता के परिवारों से संबद्ध रिश्ते नाते और शब्द प्रयोग देखिए, नाना नानी, नाती नातिन, ताऊ ताई, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, चचेरे ममेरे, फुफेरे मौसेरे, भाई बहन, भांजे भांजी, भतीजे भतीजी आदि। वैवाहिक रिश्तों से संबद्ध रिश्ते नाते की शब्दावली है सास ससुर, जेठ देवर, जिठानी देवरानी, साला साली, सलहज साढ़ू, ननद नंदोई, भाभी जीजा बहनोई आदि। रिश्ते नाते की इस मूल शब्दावली का जब हम विश्लेषण करते हैं तो पहले धरातल के रिश्तों में व्यक्ति से एक पीढ़ी ऊपर माता पिता और दो पीढ़ी ऊपर दादा दादी हैं। एक या एक से अधिक पीढ़ी ऊपर के रिश्तों को हम आदर देते हैं, इनके साथ जी का प्रयोग करते हैं और इनके साथ हमेशा मध्यम पुरुष सरनाम आप और अन्य पुरुष सरनाम वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं, दादाजी बीमार हैं, माताजी मंदिर जाने वाली हैं, पिताजी घर पर नहीं हैं, वे 5 बजे वापस आएंगे आदि। मूल परिवार से संबद्ध रिश्ते नाते की शब्दावली का दूसरा स्तर व्यक्ति की समकक्ष पीढ़ी का होता है। इस धरातल पर भाई और बहन, ये दो रिश्ते रखे जा सकते हैं। इन दोनों को पुकारने के एक से अधिक विकल्प हिंदी में हैं। जैसे भाई को भैया, भाई साहब भी कह सकते हैं, बहन को अगर बड़ी है तो जीजी, दीदी इत्यादि कहते हैं। मूल परिवार से संबद्ध रिश्ते नाते की शब्दावली का तीसरा स्तर एक या एकाधिक पीढ़ी नीचे के रिश्तों से जुड़ा हुआ है। बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नातिन इस श्रेणी के रिश्ते नाते के शब्द हैं। इन्हें पुकारने के लिए व्यक्ति साधारणतः इनका प्रथम नाम लेता है। इनके साथ मध्यम पुरुष सरनाम तुम का प्रयोग होता है तथा सदैव एक वचन क्रिया रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा बेटा दिल्ली गया है, मेरा पोता अब स्कूल जाने लगा है, मेरी बेटी 5वीं कक्षा में पढ़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल परिवार के रिश्ते नाते के शब्दों को पीढ़ी के अनुसार पहले, दूसरे और तीसरे धरातल में वर्गीकृत किया जा सकता है। पीढ़ी के आधार पर ही समाज इन रिश्तों को सामाजिक पद प्रदान करता है। तो रिश्ते नातों के प्रमुख तीन प्रकारों में से हमने मूल परिवार से संबद्ध रिश्तों की चर्चा भी की। अब आगे देखते हैं, माता पिता के परिवारों से संबद्ध भी कई नाते होते हैं। इनके लिए हिंदी में अलग अलग रिश्ते नाते के शब्द उपलब्ध हैं।
इनमें से एक पीढ़ी ऊपर के नातों के शब्दों और इन्हें पुकारने के शब्दों में कोई भेद नहीं है। इनमें जी लगाकर बोला जाता है, जैसे चाचा जी, मामी जी, मौसा जी, ताई जी आदि। चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई बहन समान पीढ़ी के होते हैं। इन्हें पुकारने में आयु महत्वपूर्ण घटक होती है। इनमें अपने से बड़े भाई बहनों के साथ उनके प्रथम नाम के साथ दादा, भाई साहब या भैया और दीदी या जीजी का प्रयोग किया जाता है, जैसा अभी मैंने बताया। बड़े भाई बहन के साथ आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। भांजा भांजी और भतीजे भतीजी व्यक्ति से एक पीढ़ी नीचे के रिश्ते हैं, जिनको पुकारने के लिए इनका प्रथम नाम प्रयोग किया जाता है। इनके साथ तुम सर्वनाम प्रयुक्त होता है। रिश्ते नातों के प्रकार में तीसरा प्रमुख प्रकार है वैवाहिक रिश्तों से संबद्ध रिश्ते नाते की शब्दावली। इसके दो धरातल हमें दिखाई देते हैं, पत्नी को पति के परिवार से मिले नाते और पति को पत्नी के परिवार से मिले हुए नाते रिश्तेदार। पत्नी के लिए पति के माता पिता क्रमशः सास ससुर हैं। पति के भाई के लिए आयु के आधार पर दो शब्द मिलते हैं, पति का बड़ा भाई जेठ और पति का छोटा भाई देवर कहलाता है। पति की बहन ननद है और उसका पति नंदोई। पति के चाचा, मामा, फूफा, मौसा पत्नी के लिए चचियाँ, मम्मियाँ, फूफियाँ, मौसियाँ, ससुर हैं। तो पति की चाची, मामी, मौसी, बुआ पत्नी के लिए चचियाँ, मम्मियाँ, मौसियाँ, फूफियाँ, सास हैं। यदि पति की ओर से देखें तो पत्नी के माता पिता भी पति के लिए सास ससुर हैं। उसके चाचा, चाची, मामा, मामी, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा भी पति के लिए उसी तरह चचियाँ, मम्मियाँ, फूफियाँ और मौसियाँ सास ससुर हैं। लेकिन पत्नी का भाई साला और उसकी पत्नी सलहज तथा पत्नी की बहन साली और उसका पति साढ़ू होते हैं। वैवाहिक रिश्तों को पुकारने की स्थिति भिन्न है। सामान्यतः पति अपने परिवारजनों को जिस तरह पुकारता है, पत्नी भी उसी तरह उन्हें पुकारती है, या जिस तरह पत्नी अपने परिवारजनों को पुकारती है उसी तरह पति भी उन्हें पुकारता है। सास ससुर के लिए बेटी का पति दामाद और बेटे की पत्नी बहू है। इसी प्रकार भाई की पत्नी भाभी है और बहन का पति जीजा या बहनोई। भाभी अपनी ननद को प्रथम नाम के साथ दीदी लगाकर बुलाती है और देवर को प्रथम नाम के साथ भैया लगाकर। हिंदी भाषी समाज में बड़ा भाई आदरणीय पद पाता है, उसकी पत्नी को भाभी कहते हैं, लेकिन छोटे भाई की पत्नी बहू कहलाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों धरातलों पर हिंदी की रिश्ते नाते की शब्दावली समाज संदर्भित है। वह बहुत गहराई तक सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को व्यक्त करती है। एकदम अनजान व्यक्तियों को हम उनकी आयु और लिंग के अनुसार रिश्ते नाते के शब्दों द्वारा संबोधित करते हैं। यह तथ्य हमारी सामाजिक संरचना को साफ साफ व्यक्त करता है कि समाज में हम बड़े बुजुर्गों को आदर देते हैं और उन्हें आदरणीय रिश्ते नातों से जोड़कर बुलाते हैं। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्ग भी अपने से छोटों को बेटा बेटी द्वारा संबोधित करते हैं। समान उम्र के लोग एक दूसरे को भैया या भाई साहब द्वारा संबोधित करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय समाज अपनी संरचना में आत्मीय संबंधों को व्यक्त करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हिंदी में पिता के बड़े भाई के लिए ताऊ का प्रयोग होता है और छोटे भाई के लिए चाचा का, जबकि माँ के भाई के लिए केवल मामा शब्द प्रयोग किया जाता है, चाहे वह माँ से उम्र में बड़ा हो या छोटा। इसी तरह पति के भाई के लिए जेठ तथा देवर दो प्रकार के शब्द हैं, जबकि पत्नी के भाई के लिए एक ही शब्द साला प्रयुक्त होता है। प्रयोग की ये स्थितियाँ भारतीय सामाजिक संरचना को बताती हैं। भारतीय समाज मूलतः पुरुष प्रधान समाज है, अतः पिता और पति से जुड़े रिश्तों को व्यापकता प्रदान की जाती है। माँ और पत्नी से जुड़े रिश्तों को व्यापकता प्रदान करने की आवश्यकता समाज अनुभव नहीं करता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी भाषा समाज रिश्ते नातों को आदरणीय, आत्मीय, मधुर जैसी श्रेणियों में बांट कर देखता है। दादा, नाना, पिता, चाचा आदि ऐसे रिश्ते हैं जो आदरणीय की श्रेणी में आते हैं। हिंदी भाषी परिवार में बेटी के पति या दामाद को पर्याप्त आदर देने की परंपरा है। देवर, भाभी और जीजा साली के बीच मधुर संबंधों को हिंदी भाषी परिवार स्वीकृति प्रदान करता है, जबकि पति के बड़े भाई अर्थात जेठ को पूज्य माना जाता है। उनके साथ पारिवारिक संबंध आदरणीय होता है तथा जेठ के सामने पर्दा करने का रिवाज भी है। हमारे परिवारों में मौसी को माँ के समान माना जाता है। बुआ अर्थात पिता की बहन से हमारे संबंध प्रायः औपचारिक होते हैं। इसी प्रकार चाची या ताई की तुलना में मामी से हमारे संबंध अधिक मधुर और अनौपचारिक होते हैं। इस प्रकार रिश्ते नाते के शब्द केवल हमारे नातों को व्यक्त करने वाले शब्द मात्र नहीं हैं, इनके द्वारा भाषा, समाज और परिवार की संरचना भी उभर कर हमारे सामने आती है। हिंदी की रिश्ते नाते की शब्दावली हमारी संस्कृति को अभिव्यक्त करने का भी सशक्त माध्यम है। सांस्कृतिक विरासत का पहला पाठ हम परिवार से ही सीखते हैं। परिवार के रीति रिवाज, संस्कार और कर्मकांड आदि में भिन्न भिन्न नातों की अलग अलग और महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। हमारे परिवारों में पिता, दादा आदि मुखिया के रूप में स्थान पाते हैं। उनके पैर छूना हमारी संस्कृति में अनिवार्य है, उसके बदले हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। विभिन्न नातों के कर्तव्य पहले से निर्धारित हैं। विवाह संस्कार इत्यादि में हमें ऐसा दिखाई देता है, जो कि हमारे रीति रिवाजों का प्रमुख अंग रहा है।
बच्चों की छठी, मुंडन आदि संस्कारों तथा विवाह के अवसर पर बुआ की बहुत अहम भूमिका होती है। इसके पीछे कारण यह है कि भाई का परिवार बहन का भी मूल परिवार होता है। अपने पैतृक ग्रह से उसके संबंध निरंतर बने रहे हैं, इसलिए पितृग्रह के प्रमुख संस्कारों में हमारा समाज बुआ की महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित करता है। वैवाहिक संस्कार में माता के पक्ष से उसके भाई या मामा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बहन के पुत्र और पुत्री दोनों के विवाह में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। विवाह संस्कार में बहनोई की भूमिका उसके साले के विवाह में दिखाई देती है। पगड़ी की रस्म बहनोई ही पूरी करता है। संस्कारों में नातों की ये भूमिकाएं प्रमाणित करती हैं कि इनकी जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत गहराई में व्याप्त हैं। इस बात को कुछ पर्व त्यौहार भी प्रमाणित करते हैं। भाई बहन के संबंधों को उजागर करने वाले पर्व रक्षाबंधन और भाई दूज हैं। पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए विवाहित स्त्रियां करवा चौथ एवं तीज का व्रत करती हैं। पुत्र के मंगल के लिए गणेश चौथ और छठ का व्रत स्त्रियां रखती हैं। हिंदी भाषी समाज प्रकृति को भी रिश्तों में बांध लेता है। हमारे यहाँ तुलसी, गऊ और गंगा को माता कहा जाता है। इस प्रकार रिश्ते नाते की हिंदी शब्दावली परिवार, समाज और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने का एक दर्पण है। तो इस प्रकार से हिंदी भाषी समाज प्रत्येक नाते को महत्व देते हुए उनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है, जबकि अंग्रेजी भाषा समाज में रिश्ते नाते के शब्दों का प्रयोग मात्र औपचारिक निर्वाह के लिए किया जाता है। रिश्ते नातों के शब्दों का प्रयोग संबोधन शब्दावली के रूप में भी हिंदी भाषी समाज करता है। हिंदी के सभी रिश्ते नाते के शब्द अनिवार्यतः संबोधन शब्द नहीं हैं, लेकिन कई रिश्ते ऐसे हैं जिनमें संबोधन रिश्ते नाते के शब्द ही बनते हैं। उनमें जी या साहब लगाकर उन्हें संबोधन शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे माताजी, पिताजी, भाई साहब, दादाजी, भाभी जी, नाना जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, बुआ जी, मौसी जी आदि। कभी कभी नाम के साथ रिश्ते के उपयुक्त शब्द को जोड़कर भी संबोधित करने की व्यवस्था हिंदी भाषी समाज में है, जैसे दिलीप चाचा, रमेश भाई साहब, शोभा दीदी, दिनेश मामा, गीता चाची आदि। वास्तव में रिश्ते नातों की संबोधन पद्धति के संदर्भ में आयु महत्वपूर्ण घटक है। अपने से ऊंची पीढ़ी के नाते जो आयु में भी वक्ता से बड़े होते हैं, उनके लिए संबोधन रिश्ते नाते के शब्द ही बनते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे समाज में आज भी कुछ रूढ़ियाँ ऐसी हैं जो हमारे भाषा व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। परंपरावादी परिवारों में पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को नाम लेकर नहीं पुकारते। वे आपस में एक दूसरे को संबोधित करने के लिए सुनो जी, सुनती हो आदि कहते हैं, या अगर पत्नी पति बेटा बेटी वाले हैं तो वे आपस में एक दूसरे को लीला की माँ, मोहन के बाबू आदि इस प्रकार से संबोधित करते हैं। सामाजिक संदर्भ की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है कि जब एक ही नाते से जुड़े एकाधिक व्यक्ति होते हैं तो उन नातों के शब्दों के साथ बड़े मझले तथा छोटे उपसर्ग लगाकर उन्हें संबोधित किया जाता है, जैसे बड़े भैया, मझली दीदी, छोटी बुआ, बड़े मामा आदि। हिंदी में कई रिश्ते नाते के शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग संबोधन के रूप में नहीं किया जाता। ससुर, जेठ, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, नाती, पोता आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। ससुर को पिताजी, बाबूजी आदि द्वारा और जेठ को भैया, भाई साहब द्वारा संबोधित किया जाता है। भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, नाती नातिन, पोता पोती आदि सदैव अपने प्रथम नाम से ही संबोधित किए जाते हैं। अब हम आते हैं सर्वनाम और संबोधन रूप पर। किसी व्यक्ति के लिए हमारे द्वारा प्रयुक्त सर्वनाम और संबोधन शब्द उस व्यक्ति की जाति, व्यवसाय, आयु और उससे हमारे सामाजिक संबंध की औपचारिकता, अनौपचारिकता पर निर्भर होता है। हिंदी में तीन मध्यम पुरुष सर्वनाम हैं, तू, तुम और आप। आपको समानार्थ प्रयोग में लाया जाता है। जिस व्यक्ति के लिए हम आपका प्रयोग करते हैं उसके प्रति आदर को व्यक्त करने के लिए क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं, जैसे चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं। उच्च वर्ग निम्न वर्ग के लिए तू या तुम का प्रयोग करता है और निम्न वर्ग उच्च वर्ग के लिए आपका। मालिक नौकर, पिता पुत्र, अफसर चपरासी आदि इसी प्रकार के सामाजिक संबंध हैं। हिंदी में इन सर्वनामों का प्रयोग औपचारिकता से भी जुड़ा हुआ है। तुम का प्रयोग सामान्य औपचारिकता को सूचित करता है, आपका प्रयोग पूरी तरह औपचारिकता का व्यंजक है। प्रथम पुरुष सर्वनाम हम एक बहुवचन सूचक सर्वनाम है, परंतु इसका प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है जो वक्ता की प्रतिष्ठा और संपन्नता प्रदर्शित करता है। हिंदी की ब्रज, अवधी और भोजपुरी आदि बोलियों में मैं शब्द नहीं पाया जाता, वहाँ हम का प्रयोग ही व्यक्ति अपने लिए करता है। तू का प्रयोग संबोधित व्यक्ति से वक्ता के घनिष्ठ आत्मीय संबंधों को व्यक्त करता है। तभी तो भगवान के लिए भी तू का प्रयोग करते हैं, जैसे भगवान तू बड़ा दयालु है, तेरा ही सहारा है। माँ के लिए भी तू का प्रयोग किया जाता है, जैसे माँ तू कितनी अच्छी है।
तो इस तरह से तू, तुम और आप के प्रयोग में औपचारिकता और आत्मीयता की अहम भूमिका होती है। सामाजिक संदर्भ से हिंदी के सभी सर्वनाम जुड़े हुए हैं। मध्यम पुरुष के आदर सूचक सर्वनाम आप का प्रयोग अन्य पुरुष में भी किया जाता है। मंच पर आसीन किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए ये, इन, इन्हों आदि के स्थान पर आप हैं श्री फलाना फलाना, या आपका परिचय देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है आदि। अन्य पुरुष सर्वनामों के भी सामाजिक संदर्भ स्पष्ट हैं। वह, उस, यह, इस आदि का प्रयोग अपने से छोटे या घनिष्ठ व्यक्ति के लिए होता है। वे, उन, ये, इन आदि का प्रयोग अपने से बड़े के लिए या औपचारिक स्थिति में किया जाता है। उदाहरण देखिए, यह मेरा बेटा है, ये मेरे पिताजी हैं, इसका नाम मोहन है, इनके दो बेटे हैं, उनका नाम रामेश्वर प्रसाद है, वे मेरे गुरुजी हैं आदि। भारतीय समाज एक वर्ग प्रधान समाज है। इसमें वर्ग भेद के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक विद्यार्थी को तू या तुम कह सकता है, जो विद्यार्थी के निम्न पद को स्पष्ट करता है। एक अध्यापक दूसरे सहयोगी अध्यापक को तुम द्वारा संबोधित कर सकता है। इसे हम समान पद की स्थिति कह सकते हैं। अध्यापक अपने प्राचार्य को या विद्यार्थी अपने अध्यापक के लिए आप के अतिरिक्त कोई सर्वनाम प्रयोग नहीं कर सकता। सर्वनामों के आधार पर हिंदी भाषा में निहित वर्ग भेद को इस तरह से हम समझ सकते हैं। अंग्रेजी में सभी के लिए यू का प्रयोग किया जाता है, जबकि हिंदी में तीन विकल्प हैं, तू, तुम और आप, जो परिस्थिति के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। हिंदी में यह, ये और वह, वे दो तरह के प्रयोग मिलते हैं। इसी तरह इसका, इनका और उसका, उनका रूप विद्यमान है, जिनमें ये, वे, इनका और उनका आदर सूचक अर्थ को व्यक्त करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में केवल ही, शी, हिज और हर हैं, वहाँ आदर सूचक शब्द का अभाव है, अलग से ऐसा उसमें दिखाई नहीं पड़ता। सर्वनामों की तरह ही हिंदी में संबोधन शब्दावली का प्रयोग भी वर्ग भेद और सामाजिक संदर्भों से संबद्ध है। हिंदी में रिश्ते नाते की शब्दावली का प्रयोग भी संबोधन शब्दावली के रूप में किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त संबोधन शब्दावली का प्रयोग कई सामाजिक स्थितियों, वर्ग भेद आदि से जुड़ता है, और उसके चयन में कई सामाजिक घटक नियंत्रण का कार्य करते हैं, जिनमें संबोधित व्यक्ति का पद, लिंग, आयु, पारिवारिक संबंध आदि प्रमुख हैं। हिंदी की संबोधन शब्दावली पर जातिगत पहलू का भी सीधा प्रभाव देखते हैं हम लोग। व्यापारी के लिए सेठ जी, क्षत्रिय के लिए बाबू साहब या ठाकुर साहब, ब्राह्मण के लिए पंडित जी आदि का संबोधन इसी प्रकार के संबोधन हैं। हिंदी की संबोधन शब्दावली को मुख्यतः चार वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, व्यवसाय सूचक शब्दों के साथ जी, महोदय या साहब लगाकर जो संबोधन बनते हैं, जैसे सभापति जी, वैद्य जी, मंत्री महोदय, डॉक्टर साहब, मौलवी साहब आदि। दूसरा वर्ग है नाम के साथ जी या साहब लगाकर बनने वाले शब्द, जैसे मिश्रा जी, शर्मा जी, अंसारी साहब, विक्टर साहब, दुबे जी, पांडे जी, जेटली साहब, सिंह साहब आदि। तो हिंदी में साहब प्रतिष्ठा का द्योतक संबोधन बन गया है। यह अंग्रेजी के सर की तरह हिंदी में प्रयुक्त होता है। साहब बाहर गए हैं, साहब आज नहीं आए हैं जैसे प्रयोग प्रशासन, पुलिस, विश्वविद्यालय आदि सभी जगह आमतौर पर सुने जा सकते हैं। तीसरा वर्ग है हिंदी संबोधन शब्दावली का, विवाहित महिलाओं के लिए संबोधन, मिसेस सिंह, श्रीमती शर्मा, सुश्री सुनीता सिंह आदि संबोधन विवाहित महिलाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अविवाहित महिलाओं के लिए संबोधन मिस पाल, सुशीला जी, कुमारी रीता वर्मा या सुश्री मंजू शुक्ला आदि, अविवाहित महिलाओं के लिए इस तरह संबोधन प्रयोग किए जाते हैं। तो सुश्री शब्द हम देखते हैं विवाहित और अविवाहित दोनों ही प्रकार की महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। संबोधन शब्दावली का एक विशेष सामाजिक संदर्भ है। धर्म, जाति, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय आदि के धरातल पर हिंदी भाषा समाज स्तरीकृत है। इस स्तर भेद का प्रभाव उसकी संबोधन शब्दावली पर पड़ता है। उदाहरण के लिए हमारा नौकर हमें बाबूजी, भैया, मालिक आदि कहकर संबोधित करता है, जबकि हम उसे उसके प्रथम नाम जैसे रामू, माधो, रजुआ आदि कहकर बुलाते हैं। एक भिखारी हमें बाबूजी, सरकार, मालिक, अन्नदाता आदि कहकर संबोधित करता है और हम उसे भिखारी या भिखुंगे कहकर। हमारे समाज में कई व्यवसायों को सीधे उन्हीं के नाम से न बुलाकर कुछ प्रतिष्ठा सूचक और आदर सूचक शब्दों के द्वारा बुलाया जाता है, जैसे दर्जी के लिए मास्टर या टेलर मास्टर, खाना बनाने वाले के लिए महाराज आदि इसी प्रकार के संबोधन शब्द हैं। इसके अतिरिक्त समाज में कुछ व्यवसाय प्रतिष्ठा सूचक समझे जाते हैं, उनके व्यवसाय सूचक नामों के साथ जी, साहब या महोदय का प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर साहब, मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय आदि। लेकिन अप्रतिष्ठित पेशों के व्यवसायगत नामों के साथ इन आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे नाई साहब, धोबी जी, मोची महोदय कोई नहीं कहेगा।
तो उपर्युक्त प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी की सर्वनाम और संबोधन शब्दावली के अंतर्गत सामाजिक संदर्भ, पद प्रतिष्ठा, जातिगत पहलू, शिक्षा, व्यवसाय, वर्ग भेद आदि का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में दिखाई देता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं कोड मिश्रण तथा कोड अंतरण पर। किसी भाषा में एक ही बात को अनेक तरीकों से कहा जा सकता है। व्यक्ति किसी एक तरीके का चुनाव करता है, यह तरीका या विकल्प कोड कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कोड आधात्री या कोड मैट्रिक्स क्या है। भाषा में एक ही स्थिति या संदर्भ को प्रकट करने के लिए अनेक विकल्प हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में पुत्र उत्पन्न होने का संदर्भ है। इस स्थिति में भाषिक व्यवहार के अनेक विकल्प हो सकते हैं, यथा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसे बुढ़ापे का सहारा मिल गया है, उसके घर में कुल दीपक उत्पन्न हुआ है, उसके यहाँ बेटे ने जन्म लिया है, या ही हैज़ बीन ब्लेस्ड बाई ए मेल चाइल्ड। वक्ता इनमें से जिस वाक्य का चयन करके बोलेगा वह कोड कहलाएगा और इन सब वाक्यों का समूह या समुच्चय कोड आधात्री कहा जाएगा। वक्ता कोड आधात्री में से ही कोड का चयन करता है। जिस भाषा की कोड आधात्री जितनी व्यापक होगी वह भाषा उतनी ही समृद्ध कही जाएगी। हिंदी की तीन शैलियाँ हैं, संस्कृत निष्ठ शैली, हिंदुस्तानी शैली और उर्दू शैली। इसके अतिरिक्त अनेक बोलियाँ भी हैं। वक्ता अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार इनमें से शैली तथा शब्द विन्यास का चयन करता है। अब देखते हैं कोड मिश्रण क्या है। एकाधिक भाषा जानने वाला व्यक्ति एक भाषा की इकाइयों को जब दूसरी भाषा के कोड में प्रयुक्त करता है तो इस प्रक्रिया को कोड मिश्रण कहते हैं। कोड मिश्रण में जिस भाषा में मिश्रण होता है उसकी व्याकरणिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यार मार्च आ गया, अब तक रिजल्ट नहीं निकला, इतना लेट तो कभी नहीं हुआ। यहाँ वाक्य रचना हिंदी भाषा की व्याकरण व्यवस्था के अनुसार है। हिंदी भाषा के कोड में यहाँ अंग्रेजी भाषा की इकाइयों का मिश्रण हुआ है। अपनी बोली में दूसरी भाषा या मानक भाषा की इकाइयों के प्रयोग से भी कोड मिश्रण होता है। जैसे ब्रज भाषा भाषी को ऐसे वाक्य बोलते हुए सुना जाता है, जे का है रहू है तुम्हें कल्चर नाम की चीज ना है। दूसरा उदाहरण देखें इसी का, छोरो बिगड़ गओ है, फैशन तो देखो। कोड मिश्रण के कई कारण होते हैं। द्विभाषिकता की स्थिति में कोड मिश्रण दिखाई देता है। जब व्यक्ति तकनीकी या किसी खास संदर्भ में बात करता है तो दूसरी भाषा के तकनीकी शब्दों का स्वभावतः उसके भाषा में मिश्रण हो जाता है। प्रभाव दिखाने की ललक या अस्मिता बनाए रखने की इच्छा के कारण भी कोड मिश्रण की स्थिति भाषा में दिखाई पड़ती है। कभी कभी अनेक वस्तुओं और क्रियाओं के नामों का उच्चारण हे अथवा अशिष्ट माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में वक्ता उन शब्दों की जगह दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, जिसे कोड मिश्रण हम लोग कहते हैं। इसमें इस संदर्भ में भी कोड मिश्रण की स्थिति आती है। जैसे शौचालय जाने के संबंध में यह कहा जाता है कि वह टॉयलेट गया है या वह बाथरूम गया है आदि। कोड मिश्रण में कुछ प्रतिबंध भी हैं, जैसे एक भाषा के कोड के साथ दूसरी भाषा का संबंध परक वाक्य प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक भाषा के दो उपवाक्यों के बीच दूसरी भाषा के संयोजक और समुच्चय बोधक नहीं आ सकते। अब देखते हैं कोड अंतरण क्या है। जब वक्ता एक भाषा का कोड बोलते बोलते दूसरी भाषा में अंतरण कर जाता है तब इसे कोड अंतरण कहते हैं या कोड परिवर्तन कहते हैं। कभी कभी दो भाषाएं जानने वाला व्यक्ति दोनों भाषाओं के अभ्यास के कारण अनायास ही कोड परिवर्तन कर देता है। कभी कभी वक्ता को लगता है कि वह एक भाषा में अपनी बात ठीक से नहीं कह पा रहा, तब वह दूसरी भाषा का सहारा लेता है। ऐसी स्थिति में कोड अंतरण आवश्यक हो जाता है। कोड परिवर्तन से नए भाषा कोड का विकास होता है। आज भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव इतना अधिक है कि वक्ता हिंदी के कोड से अंग्रेजी के कोड में सहज ही अंतरण कर जाता है, यथा इट विल रेन पर मेरा जाना जरूरी है, कैसे कैसे लोग होते हैं आई रिफ्रेन टू कमेंट। इन वाक्यों में दो भाषाओं के कोड हैं, दोनों ही अपनी अपनी व्याकरणिक व्यवस्थाओं के अनुकूल हैं। वास्तव में कोड परिवर्तन प्रोक्ति के स्तर पर दिखाई देता है, क्योंकि परिवर्तन तभी संभव है जब एक से अधिक वाक्य हों। इस प्रकार दो या दो से अधिक वाक्यों के बीच कोड परिवर्तन होता है। जैसे आई फील आई एम चीटेड, अब आप जा सकते हैं। कभी कभी कोड मिश्रण तथा कोड परिवर्तन साथ साथ दिखाई देता है। जैसे सर आई एम सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म करने की हिम्मत नहीं बटोर सका। माई नेचर इज रिस्पॉन्सिबल सर, मैं कभी आपके पास नहीं आता अगर ये लोग मुझे इस केस में ना फंसाते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोड मिश्रण में एक भाषा की इकाइयों के स्थान पर दूसरी भाषा की इकाइयों का प्रयोग होता है। कोड परिवर्तन में एक भाषा कोड से दूसरी भाषा के कोड में अंतरण होता है। कोड मिश्रण में भाषा का कोड नहीं बदलता, कुछ इकाइयाँ बदलती हैं। कोड परिवर्तन में पूरा कोड ही बदल जाता है।
कोड मिश्रण में भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था नहीं बदलती, लेकिन कोड परिवर्तन में सम्मिलित भाषाएं अपनी अपनी व्याकरणिक व्यवस्थाओं के अनुसार होती हैं। हम कह सकते हैं कि जब कोई समाज बहुभाषावासी होता है तो कोड मिश्रण तथा अंतरण स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में दिखलाई पड़ता है। अब हम देखेंगे हिंदी में भाषा वैविध्य तथा हिंदी के विविध संदर्भों और भूमिकाओं को। भारत में हिंदी व्यापक जनसंपर्क की भाषा है। यह देश के 6 प्रांतों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश की राजभाषा है। देश की 50% जनसंख्या इसका प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करती है और उससे बहुत ज़्यादा जनसंख्या इसे जानती समझती है। व्यापक जनसंपर्क की भाषा होने के कारण हिंदी के विभिन्न भाषा रूप, बोलियाँ एवं शैलियाँ विकसित हुई हैं। इस भाषा वैविध्य का कारण हिंदी भाषा की समावेशी प्रवृत्ति एवं लचीलेपन की विशेषता है। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली 5 उपभाषाओं राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी तथा इनके अंतर्गत आने वाली विभिन्न बोलियों के विषय में मैंने पूर्व के वीडियो व्याख्यान में विस्तार से बताया हुआ है। देश की सीमाओं के भीतर हिंदी क्षेत्र के बाहर के प्रांतों में भी हिंदी के कुछ अलग अलग रूप प्रचलित हैं। दक्षिणी हिंदी भी हिंदी का ही एक भाषा रूप है जो उर्दू से काफ़ी साम्य रखता है। आपने हैदराबादी हिंदी, बम्बैया हिंदी आदि का नाम सुना होगा। बम्बैया हिंदी पर मराठी भाषा का प्रभाव साफ दिखाई देता है। हैदराबादी हिंदी आज पूर्ण रूप से तेलुगु वाक्यविन्यास में ढल चुकी है। यही नहीं, हैदराबाद की हिंदी की काफ़ी बड़ी शब्द संपदा मानक हिंदी की शब्द संपदा से भिन्न है। जैसे जास्ती ज़्यादा को कहते हैं, नको नहीं आदि जैसे एकदम भिन्न शब्द इसमें हैं। दिल्ली की हिंदी पर हरियाणवी एवं पंजाबी का प्रभाव है। आप जाइए, आप खाइए की जगह आप जाओ, आप खाओ का प्रचलन वहाँ बढ़ गया है। इसी तरह पंजाबी के प्रभाव के कारण आदरणीय व्यक्ति के संबंध में लिंग की अनविति भेदक लक्षण नहीं होती। जैसे मेरे माताजी कल कलकत्ते चले गए जैसे वाक्य काफ़ी प्रचलित हैं। हरियाणवी के प्रभाववश दिल्ली की हिंदी में मैंने जाना है, तैने स्कूल देखना है जैसे वाक्य प्रचलित हैं। हिंदी भाषा केवल अपने देश में ही नहीं वरन देश के बाहर भी बोली, सुनी, पढ़ी और लिखी जाती है। वह विदेशी भाषा के रूप में विश्व के कई विश्वविद्यालयों के शिक्षण और शोध का विषय है। यही कारण है कि वर्तमान में जर्मन हिंदी, फ्रेंच हिंदी, रूसी हिंदी, चेक हिंदी, अंग्रेजी हिंदी आदि अनेक कोशों का प्रचलन बढ़ गया है। भारत की अनेक भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसका विस्तार विदेशों में भी हो रहा है। बोलचाल की दृष्टि से देखें तो हिंदी की 3 शैलियाँ हैं, क्षेत्रीय शैली, सामाजिक शैली और सांस्कृतिक शैली। भौगोलिक आधार पर निर्मित शैली को क्षेत्रीय शैली की संज्ञा दी गई है। यदि हम हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएं, तो हमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भाषा प्रयोग में उच्चारण, रूप रचना, शब्द चयन, वाक्य संरचना आदि के स्तर पर भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। जब शैली भेद का कारण क्षेत्रीय बोलियाँ बनती हैं तो हिंदी की बोली से प्रभावित शैली को क्षेत्रीय शैली कहते हैं। सामाजिक शैलियाँ वास्तव में वे भाषा भेद हैं जो विशिष्ट सामाजिक वर्ग से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार सामाजिक स्तर तथा सामाजिक परिस्थिति के कारण जब भाषा बदलती है तो उसे हम सामाजिक शैली के अंतर्गत रखते हैं। हिंदी में सामाजिक शैली का प्रयोग व्यक्ति के शैक्षिक स्तर को भी व्यक्त करता है। सांस्कृतिक शैली भाषा, समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई सांस्कृतिक शैली होती है। भारत में हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति लंबे समय से प्रचलित संस्कृतियाँ हैं। इन दोनों संस्कृतियों की भिन्नता हिंदी को 2 सांस्कृतिक शैलियों से जोड़ती है। सामान्यतः इन 2 संस्कृतियों की भाषा को क्रमशः हिंदी और उर्दू नाम दिया गया है, परंतु इन्हें एक ही भाषा की 2 शैलियाँ माना गया है। जब सामान्य हिंदी में मुस्लिम संस्कृति से संबद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब हम उस शैली को हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। हिंदी की साहित्यिक शैलियाँ आप देखते हैं, हिंदी की 3 साहित्यिक शैलियाँ हैं, उच्च हिंदी, उच्च उर्दू और हिंदुस्तानी। ये साथ साथ प्रचलित रही हैं। आप यदि हिंदी साहित्य को देखें तो आपको भिन्न रचनाकारों की रचनाओं में इसका भिन्न भिन्न प्रयोग दिख जाएगा। जैसे जयशंकर प्रसाद की हिंदी उच्च हिंदी है, उन्होंने अपने नाटकों में इस प्रकार की उच्च हिंदी का प्रयोग किया है और कविताओं में भी, जैसे कामायनी में हम देखेंगे। तो यहाँ ध्रुव स्वामिनी का एक उदाहरण मैं देती हूँ, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उच्च हिंदी किस प्रकार की है। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे, तुम्हारा विश्वास पूर्णमुख मंडल मुझे ले आने में क्यों इतना प्रसन्न था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में और यशपाल ने दिव्या उपन्यास में उच्च हिंदी शैली को अपनाया है। जैसे यशपाल के दिव्या उपन्यास का एक उदाहरण आप देखिए, हिंदी की उच्च शैली का। उसके केशों में अब भी मुक्ता गुच्छ झूल रहे थे, शंख समान ग्रीवा का मार्दव मुक्तावलियों से घिर कर और भी अधिक उद्भासित हो रहा था। कटी के नीचे धानी रंग का अत्यंत चिकना शाटक वीणा के कूष्मांड की भांति नितंबों को अपनी ओट में लिए आकर्षक बनाया था। तो ये उच्च हिंदी की शैली है इस प्रकार की।
उच्च उर्दू शैली में सआदत हसन मंटो की कहानियाँ, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र आदि की कहानियाँ और उपन्यास लिखे गए हैं। तो यहाँ मंटो की भाषा का उदाहरण, उच्च उर्दू का उदाहरण हम उनके कथन में देखते हैं। जैसे, मैं आपको वसूक के साथ कह सकता हूँ कि मंटो, जिस पर फुहश निगारी के सिलसिले में कई मुकदमे चल चुके हैं, बहुत तहारत पसंद है, लेकिन मैं यह भी कहे बगैर नहीं रह सकता कि वह एक ऐसा पाअंदाज है जो खुद को झाड़ता फटकारता रहता है। हिंदुस्तानी शैली में प्रेमचंद ने प्रचुर कथा साहित्य की रचना की है। प्रेमचंद के गोदान, गबन, वरदान और तरह बहुत से उपन्यास हैं और अनेक कहानियाँ उनकी लिखी गई हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इन सभी में उन्होंने हिंदुस्तानी शैली का प्रयोग किया है। प्रेमचंद की रचना गोदान से उदाहरण देखते हैं। प्रारंभ में ही होरी और धनिया जब आपस में बात कर रहे होते हैं, होरी धनिया से कहता है, तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है भाई? यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। ये होरी कह रहा है अपनी पत्नी से, समझा रहा है। तो इसमें हिंदुस्तानी शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा आम फहम की है, बोलचाल की है और मुहावरेदार है। अब इस समय हिंदी साहित्य में एक ही कृति या रचना में इन तीनों शैलियों का, उच्च हिंदी, उच्च उर्दू और हिंदुस्तानी का मिला जुला प्रयोग होने लगा है। अब हिंदुस्तानी साहित्यिक अभिव्यक्ति का प्रमुख रूप से माध्यम बनती जा रही है। भाषा वस्तुतः एक सामाजिक यथार्थ होती है। सामाजिक परिस्थितियों, संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुरूप वह अपने को ढालती चलती है। हिंदी को इसीलिए विविध संदर्भों और भूमिकाओं में हम लोग देखते हैं, जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजनमूलक हिंदी आदि। राष्ट्रभाषा के बारे में थोड़ा सा परिचय देते हैं। राष्ट्रभाषा का मतलब है वह भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में होता है। जब किसी देश की कोई बोली या भाषा आदर्श बनकर मानक रूप ग्रहण कर लेती है तो वह अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। फलतः पूरे राष्ट्र में तथा अन्य भाषा भाषी क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यों में उस भाषा का प्रयोग होने लगता है और वह राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है। इस दृष्टि से हिंदी भाषा देश की राष्ट्रभाषा के गौरवमय पद पर प्रतिष्ठित है। अब देखते हैं राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें शासन का कामकाज चलता हो वह राजभाषा कहलाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका सभी के स्तर पर राजभाषा का व्यवहार किया जाता है। हमारे यहाँ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सहराजभाषा है। संपर्क भाषा क्या होती है ये देखें। भारत जैसे बहुभाषी देश में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता इसको जोड़े हुए है। यदि बोधगम्यता को भाषा बोली के निर्धारण का आधार माना जाए तो संपूर्ण उत्तर भारत की संपर्क भाषा हिंदी ही होगी। किसी देश में एक भाषा संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है, यही स्थिति आज भारत में हिंदी भाषा निभाती है। प्रयोजनमूलक हिंदी को देखें। हिंदी आज सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं है, आधुनिक विषयों में भी उसका प्रयोग हो रहा है। विज्ञान, पत्रकारिता, व्यवसाय, प्रशासन, विधि आदि अनेक क्षेत्र जो आज के प्रमुख क्षेत्र हैं भाषा व्यवहार के, उनमें हिंदी के भिन्न भिन्न रूप पाए जाते हैं। इस रूप में हिंदी का प्रयोग प्रयोजनमूलक हिंदी कहलाता है। हिंदी की विभिन्न प्रयोजनमूलक शैलियों के विषय में पहले के व्याख्यान में मैंने बताया हुआ है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने भाषा के सामाजिक संदर्भ और समाज भाषा विज्ञान के बारे में बहुत से बिंदुओं पर चर्चा की। यहाँ पर आप लोगों को याद दिला दूँ कि भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा एवं लिपि के अपने पिछले वीडियो व्याख्यान के अंत में मैंने पूरी विषय वस्तु को 3 भागों में बांटकर सब पर अलग अलग दीर्घ एवं लघु प्रश्न बता दिए थे, जिनकी जानकारी आप उसी से देखकर कर सकते हैं। साथ ही सत्रांत परीक्षा प्रश्न पत्र की संरचना और उत्तरों की शब्द सीमा के विषय में भी उसमें बताया गया था, जिसकी पुनरावृत्ति यहाँ आवश्यक नहीं है। आज के वीडियो व्याख्यान को सुनकर आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। जैसे, भाषा का सामाजिक संदर्भ स्पष्ट कीजिए। समाज भाषा विज्ञान की परिभाषा देते हुए इसके क्षेत्र तथा विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। पिजिन तथा क्रियोल भाषाओं से आप क्या समझते हैं? कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन क्या है? निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। भाषा और बोली, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि। हिंदी में रिश्ते नाते की शब्दावली का सामाजिक संदर्भ स्पष्ट कीजिए।
हिंदी के विभिन्न रूपों एवं शैलियों का वर्णन कीजिए, आदि आदि। आपको समाज भाषा विज्ञान पर और अधिक गहन जानकारी के लिए कुछ संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन उपयोगी हो सकता है, जिनमें भोलानाथ तिवारी की पुस्तक भाषा विज्ञान तथा डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा की पुस्तक हिंदी भाषा की भूमिका प्रमुख हैं। अगले व्याख्यानों में आप लोगों को और भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी। आज के इस वीडियो व्याख्यान में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुभकामनाएँ। नमस्कार।